बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घास पे जो है वो फूल लगे हैं और आज मैं बहुत अच्छे बात आपके साथ प्रोग्राम टेप कर रहा हूँ। और ये जो मेरा शेड है, किचन जो है, मैंने बाहर ही रखा हुआ है। मेरे टमाटर के पेड़ों में फूल आ गए और इंशाल्लाह बहुत जल्द टमाटर देंगे और तमाम हरी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में आ गई हैं और आ रही हैं। मैं ख़ास तौर से न्यूज़ीलैंड वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी थोड़ी सी मेहनत करें और तमाम सब्जियाँ घर ही में लगाएं। ये हमारा बेकिंग का करने के लिए और ऊपर से काली मिर्च का छिड़काव करें। इसमें मैंने काली मिर्च का छिड़काव किया था और नमक अगर कम है और नमक आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नमक का भी छिड़काव किया जा सकता है। यह हमारे नूडल्स तैयार हो गए, सब्जी और नूडल्स। काली मिर्च का छिड़काव थोड़ा सा करके आपको दिखा दूँ मैं। ये काली मिर्च की छिड़काव, इसके ज़रिए काली मिर्च के ज़रिए ये काली मिर्च का छिड़काव किया और आखिर में मैंने इस पे नींबू नींबू का थोड़ा सा दो चार कतरे, ये देखिए नींबू, ये देखिए दो चार कतरे, ताकि नमक घटे। अगर शुगर का किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर, एक छोटा चाय का चम्मच शक्कर या ब्राउन शुगर वो भी डाली जा सकती है। इसका टेस्ट और डेवलप हो जाएगा और इंशाल्लाह ये नूडल्स ज़बरदस्त बनेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप भी पकाएंगे और उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। मैं उन तमाम अहबाबों का जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, तमाम के घर में एक से एक खाने थे। मैं उनके खानों की तारीफ नहीं कर सकता। किसी के यहाँ मीठा ज़बरदस्त था तो किसी के यहाँ बिरयानी और किसी के यहाँ भुने हुए गोश्त और किसी के यहाँ भुनी हुई मुर्गी, एक से एक खाने थे। मैं उन तमाम न्यूजीलैंड के वासियों का, अपने दोस्तों का शुक्रगुजार करता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मेरे दुरूस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और सख्त होते हैं, लेकिन वो राहे खुदा होते हैं, राह रसूल होते हैं। इसलिए मैंने उन तमाम सख्ती इख्तियार की। मैं उसकी मदद खाता हूँ, चाहूँ कि अगर किसी को बुरे लगे हों। मेरे सबसे सख्त अल्फाज ये थे, दुनिया में अल्लाह ने जन्नत दे दी, अब हमें चाहिए कि पूरी तन मन धन से ऊपर वाली जन्नत, अल्लाह की जन्नत, उसकी हम तैयारी करें। और यहाँ तबलीग का काम की बहुत ज़रूरत है तो तबलीग का काम करें। उम्मीद है मेरे खाने आपको पसंद आएंगे, उम्मीद है पकाने के तर्ज आप सीख जाएंगे और उम्मीद है कि मेरी वीडियो सही बनी होगी। आज बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरे असल में जो वीडियोस के इंस्ट्रूमेंट थे वो तमाम के तमाम काम नहीं कर रहे थे या काम कर रहे थे तो उसको जोड़ने वगैरह वगैरह के लिए टाइम नहीं था। मैं उसकी मदद खाऊँ। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम लोग बेकिंग का करेंगे प्रोग्राम, चिकन किस तरह बेक की जाती है, हरे मसाले में और लाल मसाले में और फीकी, और गोश्त किस तरह हरे मसाले में, लाल मसाले में और फीका, और किसी भी चीज़ को जो बेक करके खाना है वो किस तरह किया जाता है, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है मेरी तमाम ख़ताओं को जो आपके साथ मेरे साथ हुई होंगी, मैंने आपके ऊपर दुरुस्त में चीखो पुकार की थी, मैं उसकी मदद कर जाता हूँ। और उम्मीद है हमारे दिल में अल्लाह मोमिनों की तरह रोशन सजा के रखेगा और हमारे मोहब्बतों को कायम रखेगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं सबके लिए दुआ करूँ।